टोटल हमारा कितना खर्चा आया और कितने पे करने हैं। 100,000 रुपए के नीचे नीचे काम हो जाएगा। जितना काम वगैरह सब करवा के ना ये मुझे टोटल। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो भाई बहुत सारे लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि आपने अपनी गाड़ी पे जितना भी काम कराया ना उस पर खर्चा कितना हुआ ये बता दो। कॉस्टिंग के बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। आपको सच में लगता है मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगी मैंने गाड़ी पे जो भी काम करवाया उसका क्या खर्चा है? मैं हर बार बताती हूँ, इस बार भी आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। पर पहले ना मैंने गाड़ी पे क्या क्या काम करवाया फटाफट से आपको वो दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट सीरीज नहीं देख पाते हैं, तो एक बार फटाफट काम बता देते हैं। उसके बाद मैंने ना ZTL के कंपैरिजन में कितनी कॉस्ट सेविंग की है ये भी आपको बताऊंगी, और क्या खर्चा मेरा बैठा है वो भी आपको बताऊंगी। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये नहा धो के आई है, देख सकते हो आप कितनी सुंदर लग रही है। थू थू भाई, इसको नजर ना लगे, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो सबसे पहले तो यार मैंने अपनी गाड़ी में सेंटर लॉकिंग लगवाई है, क्योंकि वो चीज इस गाड़ी में मिसिंग थी और वो एक्चुअल में एक बहुत ही रिक्वायर्ड चेंज था। सबसे पहला काम मैंने ये करवाया। ZTL में जैसे टॉप वेरिएंट में चाबी आती है ना, सेम वैसी चाबी बनवाई है मैंने। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने हेडलैम्प की पूरी यूनिट चेंज करवाई है। ZTL टॉप मॉडल में जो लाइट्स आती है सेम वही है, पूरी चेंज हुई है, सिर्फ कपलर लगा है। इसमें कोई भी LEDs वगैरह एक्स्ट्रा नहीं लगवाई है। नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे फॉग लैंप और DRL वाली ये जो यूनिट आती है ये भी टॉप मॉडल वाली है, ये हमने चेंज करवाया। अब क्योंकि एक प्रॉपर डिफरेंट बेजल में फिट होती है तो बेजल भी हमने यहाँ पे चेंज करवाया। देन यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग सेंसर आपको नजर आ रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे ना महिंद्रा जेन्युइन फ्रंट पार्किंग सेंसर भी लगवाए। अब आप देख सकते हैं फ्रंट से कंप्लीट LED सेटअप हो गया और इसमें ना सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स भी एड हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे ना टॉप मॉडल में भी ये जो पियानो फिनिश देख रहे हो ये ग्रिल में नहीं आती, हमने पूरी की पूरी ग्रिल सबसे पहले पियानो करवाई है। उसके अलावा ये आपने देखा होगा जितना भी क्रोम आपको नजर आ रहा है ये हमने इंस्टॉल करवाया, ये टॉप मॉडल में आता है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है, हर एक क्रोम पार्ट यहाँ पे लॉक टू लॉक फिटिंग वाला है। ऑल्सो इसमें हमने 360 डिग्री कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है, जो इसके टॉप मॉडल ZTL में भी नहीं आता, और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं दिखा चुकी हूँ, फिर से एक बार दिखा दूंगी, अभी उसकी फ्रंट यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल करवाई है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी स्किट प्लेट देखेंगे तो बेस वेरियंट में पूरी की पूरी ब्लैक आती है, टॉप वेरियंट में ऐसा सिल्वर कलर आता है, तो इसको पेंट करवाया हमने। अब एक बार ना इसके फ्रंट से कंप्लीट लुक्स आप देख लो, कोई भी देख के इसको नहीं कह सकता कि ये टॉप मॉडल नहीं है या फिर बेस वेरिएंट है। अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। साइड में ना सबसे पहले हमने यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स डलवाए हैं। इसका जो टॉप वेरिएंट है ना ZTL, उसमें मैनुअल में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं। ये वाले जो अलॉय व्हील्स है इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट ZTL में देखने को मिलते हैं, तो यही टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक वाले हमने अलॉयज डलवाए हैं। इसके अलावा इसमें ना ऑल टेरेन टायर्स नहीं आते हैं, चाहे टॉप मॉडल हो चाहे कोई भी मॉडल हो, इसमें ऑल टेरेन टायर्स आपको ऑफर नहीं किए गए हैं, ये हमने खुद से डलवाए हैं। ये MRF के वॉन्डर है, व्हाइट लेटर्स वाले टायर्स है, लुक देख सकते हो कितनी खतरनाक आती है इस पे, ऑल टेरेन टायर्स। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसके कैलिपर्स देखेंगे तो वो भी मैंने रेड करवाए हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अब इसका जो ORVM है वो पूरा का पूरा चेंज है, क्योंकि बेस वेरिएंट में ना यहाँ पे मैट फिनिश वाला आता है, इसमें आपको यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश नजर आ रही होगी, और ये ना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। इसके अलावा लॉक अनलॉक पे फोल्ड अनफोल्ड भी होता है, इसके ऊपर टर्न इंडिकेटर आप देख सकते हैं। अगर आप बेस वेरिएंट में देखोगे ना तो उसमें आपको हाथ से इसको एडजस्ट करना पड़ता है, डूडल तक भी नहीं दिया गया, जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, इसीलिए ये तो करवाना ही था, बहुत रिक्वायर्ड चेंज था। और इसके अलावा इसमें हमने 360 डिग्री कैमरा इंस्टॉल करवाया, तो जो साइड वाला कैमरा वो यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। अब अगर आप इसकी रूफ रेल देखोगे तो बेस वेरिएंट में कोई भी रूफ रेल नहीं आती, जिस वजह से गाड़ी ना बड़ी गंजी लगती है, तो इसमें हमने रूफ रेल लगवाई है टॉप वेरिएंट वाली, सिल्वर कलर की उसमें आती है, सिल्वर कलर की ये है, और ये ना पेच नहीं की गई है, महिंद्रा जेन्युइन है, देख सकते हो आप, ये पेच लगा के ही फिट हुई है। और इसमें ना दो ऑप्शन आते हैं, एक तो टॉप वेरिएंट वाला सिल्वर है, आपने देखा होगा टॉप वेरिएंट में यही वाला आता है। इसके अलावा अगर आप Z4 में देखोगे ना तो उसमें ब्लैक कलर की आती है, तो डिपेंड करता है आपको जो अच्छी लगी। मुझे टॉप वेरिएंट बनाना था तो इसलिए मैंने ये लगवा लिया, ब्लैक वाली भी बहुत सुंदर लगती है। देन अगर आप देखोगे ना हमने यहाँ पे रेन वाइजर्स इंस्टॉल करवाए हैं, ये महिंद्रा जेन्युइन नहीं है, आफ्टर मार्केट है, इसके ऊपर ना यहाँ पे स्कॉर्पियन लिखा हुआ था, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मैंने ये वाले लगवा लिए, और ये है भी क्रोम में। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्कॉर्पियन स्टिंग वाली क्रोम बीडिंग है ये भी हमने इंस्टॉल करवाई है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, जिसमें से ये जो दो पार्ट्स है ना जो गेट पे लगे हुए हैं ये तो लॉक टू लॉक फिट हुए हैं, और ये वाला पेस्ट हुआ है पीछे से जो स्टिंग है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखेंगे तो ये भी हमने यहाँ पे क्रोम वाले इंस्टॉल करवाए हैं, जो टॉप वेरिएंट में आते हैं, महिंद्रा जेन्युइन है, बट ये देख सकते हो इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट सेंसर है कोई काम नहीं करता, सिर्फ शो का है, बट बहुत सुंदर लग रहे थे इसलिए ये भी चेंज करवाने थे, क्योंकि रफ ब्लैक आते हैं बेस वेरिएंट में जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इवन ये ना पांचों डोर्स पे इंस्टॉल हुए हैं, डिग्गी पे भी आप देख सकते हो, एक डिग्गी पे और एक ड्राइवर और को ड्राइवर साइड, ये रिक्वेस्ट सेंसर वाला आता है, तो ये इस हिसाब से इंस्टॉल हुआ है। नीचे यहाँ पे अगर आप इसकी क्लैडिंग देखोगे ना तो Z2 में आपको ये पूरी कंप्लीट ब्लैक में देखने को मिलती है, टॉप वेरिएंट में नीचे से सिल्वर आता है, तो हमने वैसा का वैसा पेंट करवा दिया। और यार मेरे हिसाब से ना एक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड चेंज था वो है ये फुटस्टेप, ये लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाड़ी काफी ऊंची है तो यार चढ़ना उतरना कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो ये जरूर से लगवा लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे हमने मड फ्लैप्स भी लगवाए, ये बहुत अच्छी चीज है, वरना ना गाड़ी पे कीचड़ उठता है। रियर से अगर आप देखोगे ना तो सबसे पहले टॉप पे यहाँ पे स्पॉइलर इंस्टॉल करवाया है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, पेज से लगाया, ये कोई भी पेस्टिंग वाला काम नहीं है यहाँ पे। देन वॉशर एक्टिवेट करवाया, रियर वाइपर भी लगवाया है यहाँ पे। डोर हैंडल मैंने बता ही दिया कि चेंज हुए हैं पांचों डोर्स पे, और इसमें 360 डिग्री कैमरा लगा, कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, और अगर आपने टॉप वेरिएंट में देखा होगा ना तो ऐसी क्रोम बीडिंग आती है, तो वो भी यहाँ पे हमने इंस्टॉल करवाई है। और रिफ्लेक्टर्स आप देख सकते हैं आफ्टर मार्केट वाले लगवाए हैं, क्योंकि मुझे सुंदर लग रहे थे। और टॉप वेरिएंट में देखोगे ना तो ये वाला पार्ट पूरा सिल्वर आता है, तो इसको भी सिल्वर करवाया है। और एक बार ना मैं आपको वॉशर और वाइपर चला के भी दिखा देती हूँ, एक बार चलाना वाइपर प्लीज, ये देखो
ये आप देख सकते हो यहाँ पे। यार स्कॉर्पियो इनका चाहे बेस वेरिएंट हो चाहे कोई भी वेरिएंट हो, इसमें प्रॉब्लम ये है कि वाइपर यहीं तक जाता है, इससे आगे नहीं जाता है। और एक बार ना रिफ्लेक्टर भी मैं आपको जला के दिखा देती हूँ, जलाना एक बार। ये आप देख सकते हो यार जले हुए कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, देख सकते हो आप। और नीचे ना यहाँ पे रिवर्स लाइट भी जलती है, इसके अलावा ना जब रियर इंडिकेटर जलता है ना तो भी ये येलो में ब्लिंक होते हैं, वो भी सिक्वेंशियल में, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और इसके अलावा ना मैंने यहाँ पे JBL का सबवूफर रखवाया 1300 वॉट का, अभी तो ये पूरा कवर हो गया जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज बूट में कहीं भी पड़ा रहे ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता है वो। ये तो सारा काम था जो मैंने एक्सटीरियर से करवाया। इसके अलावा ना मैंने इसका इंटीरियर पूरा चेंज करवाया, उसकी एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के मैंने डाल दी है, वो देखना चाहते हो तो यहाँ लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी से बता दूँ तो एक बार फिर से आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर आप इसका ड्राइवर साइड डोर देखोगे तो ड्यूल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और आइस ग्रे कलर में देख सकते हो, जिसमें से ये वाला पैनल है ये सॉफ्ट टच में है। ये वाला जो पूरा पैनल और स्विचेस वगैरह सब देख रहे हैं ना, ये हमने आफ्टर मार्केट नहीं लगवाया, नहीं पेंट करवाया, ये महिंद्रा जेन्युइन है, पूरा का पूरा चेंज हुआ है। देन ये वाला जो डोर हैंडल और इसकी जो कटोरी है ये हमने पेंट करवाया है पियानो में, देख सकते हो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। ये जो ग्रैब हैंडल देख रहे हो ये आपने टॉप वेरिएंट में भी देखा होगा, वही का वही महिंद्रा जेन्युइन हमने इंस्टॉल करवाया, ये पेंटेड नहीं है। अभी इसमें ना हमने सोनी की ES सीरीज के कंपोनेंट्स लगवाए हुए हैं, यहां पे आप देख सकते हो ट्विटर इंस्टॉल करवाया हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे अंदर दोनों जगह पे मैट्स लगे हुए हैं, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे ना स्कॉर्पियो एन वाली स्कफ प्लेट लगी है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन है, और यहां पे इसके अलावा फ्लोरिंग हुई है, और इसके अलावा 90 मैट्स लगे हैं ईगल के। इसके सीट कवर्स आप देख सकते हो ब्लैक और आइस ग्रे कलर में हमने सीट कवर्स रखवाए हैं, जिसमें से यहाँ पे क्विल्ट पैटर्न है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। इसका नेकलेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम मैचिंग डिजाइन में हमने नेकलेस बनवाया, जिसके सेंटर में आइस ग्रे, कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर की लेदर लगवाई है, और यहाँ पे इसके जो हेडरेस है उस पर स्कॉर्पियन लिखवाया है। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हैं ड्यूल कॉम्बिनेशन में स्टेयरिंग व्हील हमने रैप करवाया लेदर में, आइस ग्रे और ब्लैक ही है, और यहाँ पे स्टिचिंग देख सकते हैं जिगजैग वाली। और इसके जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल है XUV700 वाले हैं ओरिजिनल, क्योंकि इसमें ग्लॉसी नहीं आते हैं टॉप वेरिएंट पे। अंदर दोनों साइड सारे कंट्रोल वर्किंग है, सिर्फ क्रूज कंट्रोल अभी वर्किंग नहीं है। ये वाला पैनल और सेंटर में पूरा का पूरा पैनल हमने यहाँ पे ना ग्लॉस ब्लैक में पेंट करवाया है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे ना सोनी की बैजिंग वाली जाली लगवाई है, सिर्फ जाली है, इसके अंदर स्पीकर नहीं लगा है। और इसमें ना हाइपरसोनिक का 464 GB वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा है 12.3 इंच का, ये इंडिया में पहली बार किसी गाड़ी में लगा है। और यहाँ पे जो आपको स्किड मैट दिखाई थी वो यहाँ पे भी लगी है स्कॉर्पियन की बैजिंग वाली। आमरेस इसका देख सकते हो डबल कलर कॉम्बिनेशन में बना है, आइस ग्रे और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। मैंने ना आपको दिखाया था इसमें 360 डिग्री कैमरा लगवाया है, एक बार इसकी क्वालिटी आप चेक कर लो, बहुत ज्यादा प्यारी है। इवन अगर मैं राइट साइड का इंडिकेटर देती हूँ तो राइट का व्यू दिखता है, और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगी तो लेफ्ट का व्यू दिखता है। और इसके अलावा यहाँ पे ना ये वाली असेंबली भी चेंज करवाई है, क्योंकि ना इसमें वाइपर इंस्टॉल हुआ है तो वाइपर के कंट्रोल्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा ना इसमें सनग्लास होल्डर वाला पूरा कंसोल इंस्टॉल हुआ है, जिसके अंदर ये लाइट्स वर्किंग है, सनरूफ के कंट्रोल कोई कम के नहीं है। और यहाँ पे ना पाइनियर का 4-चैनल अंडर सीट एम्प भी रखवाया है। और यहाँ रियर वाले डोर में ना सोनी की ES सीरीज के कोएक्सल्स इंस्टॉल हुए हैं, इसके अलावा जो मैंने मैट आपको आगे दिखाए थे वो यहाँ रियर डोर में भी इंस्टॉल हुए हैं। बाकी यार एक बार आप रियर वाली सीट्स देख लो, वो भी सेम ही है, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, इसके मैचिंग के हमने यहाँ पे कुशन्स बनवाए। तो ये सारा काम था जो मैंने अपनी गाड़ी में करवाया। अब इंटीरियर मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं उसकी ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। काम तो मैंने सारा दिखा दिया है, गाड़ी आपने बहुत अच्छी तैयार की है, लेकिन ये सब करने में खर्चा कितना आया है? विदाउट अलाय इसका 1,45,000 रुपए है। अच्छा, ठीक है, अलाय के साथ लमसम दो के नीचे नीचे है। और उसके अलावा क्योंकि इस गाड़ी में सारा हाई रेंज का काम हुआ है, अब जैसे मान लो सोनी ES सीरीज का कंपोनेंट है, कोएक्सएल है, जेड सीरीज का एम्पलीफायर है, JBL का वूफर है, डैम्पिंग है, मिरर फोल्डिंग है, वाइपर है, हेडलैम्प है, पोकलम DRL है, अंदर का इंटीरियर है, तो उतना लगेगा। ये नहीं है कि इतना ही लगाना है, जिनका बजट कम है तो 1,00,000 में भी गाड़ी तैयार होगा, अगर किनका बजट उससे थोड़ा ऊपर है तो 1,50,000 में भी जाएगा, उनसे अच्छा बजट है तो 2,00,000 में भी जाएगा। ये नहीं कि मैंने गाड़ी तैयार कर दी 1,50,000 में, 1,45,000 में आपका, तो ये नहीं कि 1,00,000। हाँ, अगर सेम काम करवाना है, सेम चीज करवाना है तो 1,45,000 में हो जाएगा। अगर इससे भी आप कुछ ऊपर जाते हो, आपका बजट नहीं है, कुछ नीचे आते हो तो कम बिल बनेगा, इससे ऊपर जाते हो तो ज्यादा बनेगा। देखो मेरे हिसाब से जो आपने डैशबोर्ड पर जाली लगवाया सोनी के बैजिंग के लिए, वो 9,500 रुपए का आइटम, मेरे हिसाब से तुक नहीं बनता, वहाँ पे बच जाएगा पैसा। बहुत कस्टमर जैसे इसमें स्टूडियो लग के आता है, बहुत कस्टमर इनवाइट स्टूडियो नहीं लगवाते हैं तो वहाँ पे पैसा बच जाता है। बहुत कस्टमर अपना स्पीकर चेंज, वो भी स्पीकर अच्छा था, उसी स्पीकर को एम से चला लेते हैं, बूफर लगवा लेते हैं, तो वहाँ पे पैसे बच जाएंगे। देखो यार मैंने ना Z2 लेके ऑलरेडी बहुत सारी अमाउंट बचा ली थी कंपेरेटिवली, अगर मैं टॉप मॉडल लेती तो मैं चाह रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत ना अमाउंट मैं यूज कर सकती हूँ यहाँ पे, कि मैं अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करवाऊँ। तो कुछ चीजें ना मैंने हाई एंड भी लगवाई है, जैसे इसमें मैंने ना सोनी का ES सीरीज का पूरा म्यूजिक सिस्टम लगवाया है। इसके अलावा इंफोटेनमेंट देखोगे तो 12.3 इंच का इसमें मैंने इंफोटेनमेंट लगवाया है, और वो जाली तो आपको पता ही है सोनी की ब्रांडिंग है उस पर, और कोई स्पीकर वीकर कुछ नहीं आता, 9,250 रुपीज की वो जाली है। तो भाई सीधा 35-40 हज़ार रुपए तो अगर ये चीजें नहीं लगवाती हो तो आपके यहीं पे बच गए, तो 1,00,000 रुपए के करीब में तो टॉप मॉडल आपको वैसे ही बन के मिल ही रहा है। तो डिपेंड करता है यार, अगर आप बेसिक सा काम करवाओगे, बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं जाओगे, तो काफी कम कॉस्ट में ना आप इसको टॉप मॉडल बनवा सकते हो। टोटल हमारा कितना खर्चा आया और कितने पे करने हैं? 1,50,000 का खर्चा आपके लिए 1,45,000 लग जाएगा। मान लो अगर किसी का बजट ज्यादा नहीं है, होता है यार नई गाड़ी कोई खरीद लेता है तो इतना नहीं लगता कि स्पेंड करे, तो 1,00,000 रुपए के नीचे नीचे काम हो जाएगा। हो जाएगा,
लाख रुपए के नीचे नीचे, ये नहीं कि पूरा काम ऐसे ही हो जाएगा टॉप मॉडल बन जाएगा, लाख रुपए के नीचे नीचे काम है, जैसे फुकलम डीआरएल नीड है, मतलब लगाना ही है, बेसिक चीज है, वो लग जाएगा, हेडलाइट पे 200 एलईडी लग जाएगा, क्रोम वर्क हो जाएगा, विंडो गार्निश लग जाएगा, वाइजर लग जाएगा, रूफ रेल लग जाएगा, पीछे का स्पॉइलर लग जाएगा, सीट कवर लग जाएगा, म्यूजिक वही रहेगा, म्यूजिक में मत करो, म्यूजिक तो लग के आता है, हो जाएगा काम, क्यों नहीं, लाख में क्या 70-80 हजार में भी काम होगा, और जिनका बजट अच्छा है तो 1.5 लाख में भी तैयार होगा, 2 लाख में भी तैयार होगा, वो तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, खर्चे की कोई लिमिट ही नहीं है, आपको जितना खर्चना है शॉप पे खर्च सकते हो। अच्छा वैसे निकू भैया अगर आना है ये काम करवाने तो कहाँ आए? देखो दोनों दुकान हमारी है, ऑटो ग्लैमर निकू का डेकोर, अगर आपको आना है तो सीधे सीधे निकू का डेकोर 16/27 अब्दुल अजीज रोड करोलबाग, बाकी आपको आना है तो ये दुकान भी है, बाकी आपको लोकेशन हम जहाँ काम करते गाड़ी मॉडिफिकेशन करते हैं तो आप लाइव लोकेशन मंगा के वहाँ पे भी डायरेक्ट आ सकते हो। ठीक है, अब कॉस्टिंग वोस्टिंग तो आपने सुनी ली होगी, और ना एक और चीज़ है, जब ये गाड़ी मैंने खरीदी थी ना ये मुझे 13,65,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ी थी, इतना सही प्राइस। अगर आप लोग भी सही प्राइस में गाड़ी खरीदना चाहते हो, कॉस्ट सेव करना चाहते हो, तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरी वीडियो बनाइए जाके वो चेक कर लेना और अपने पैसे बचा लेना। अब देखा जाए तो यार मैंने ये गाड़ी पे काम करवाते टाइम ना थोड़ा सा प्रमोशन भी किया है, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह भी बनी है, और उसके ऊपर से मैं निक्कू भैया से ना बहुत टाइम से गाड़ियाँ मॉडिफाई करवाती आ रही हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मैंने ले लिया था। तो यहाँ पर जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मुझे 13,65,000 की पड़ी, उसके ऊपर से जितना काम वगैरह सब करवा के ना ये मुझे टोटल 15,50,000 में पड़ गई है, और 15.5 लाख में भी ना मैंने अपने पसंद की सारी चीजें करवा ली है। यहाँ पे 18 इंच के अलॉयज डल गए हैं, ऑल टेरेन टायर्स डल गए, अपने मनपसंद का इंटीरियर हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, मनपसंद का म्यूजिक सिस्टम हो गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैंने अपने तसल्ली के हिसाब से करवाई है, तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। यार मैंने ना इसको Z2 से ZL तो बनवाया, लेकिन मैं अग्री करती हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं करवा सकते हैं, जैसे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, ऑटोमेटिक एसी हो गया, इसके अलावा सनरूफ हो गई, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं करवा सकते हो। और भाई एक बार मेरी भी बात सुन लो, ZL में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो परचेज करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डोर वाइजर हो गए, इसके अलावा मैच वगैरह भी आपको डलवाने ही पड़ेंगे, इंटीरियर आप देख सकते हो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ठीक है वो भी अपनी जगह है, बट मैंने अपनी पसंद का करवा लिया तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। फ्लोरिंग एक्स्ट्रा है, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एक्स्ट्रा है, इसके अलावा इसमें सोनी के ES सीरीज के स्पीकर्स लगे हैं, उसमें भी सोनी ही आता है लेकिन वो डिसेंट रेंज है, ये सबसे हाईएस्ट सीरीज के स्पीकर्स लगे हैं, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो भी इसका म्यूजिक सिस्टम ज्यादा बेटर है। 360 डिग्री कैमरा हो गया, ऑल टेरेन टायर्स हो गए, 18 इंच वाले अलॉयज हो गए, अगर आप मैनुअल में लेते हो ना टॉप वेरिएंट तो भी आपको 17 इंच के अलॉयज ही मिलेंगे, ये वाले अलॉयज नहीं मिलते, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने एक्स्ट्रा डलवाई है जो आपको ZL में भी नहीं मिलती है। अब भाई देखा जाए ना तो Z2 मैनुअल पेट्रोल और ZL मैनुअल पेट्रोल में आज की डेट में ना ऑन रोड आते आते 7.5 लाख रुपए का डिफरेंस है, जो एक ह्यूज अमाउंट है। अगर मान लो मैंने जितना भी मॉडिफिकेशन करवाया, एक बार राउंड फिगर के लिए ले लेते हैं, 2 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं, तो 7.5 लाख रुपए में से अगर आप 2 लाख रुपए भी माइनस कर लेते हो तो भी 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस बच जाता है। भाई इसमें थोड़े पैसे और मिला के ना मैंने अपनी पंच खरीदी थी, तो सोच लो यार एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, और बाहर से देखोगे ना तो फर्क आपको कोई नजर ही नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से मैंने जितना भी काम करवाया है भाई जस्टिफाइड है। तो भाई कैसी लगी आपको अपनी गाड़ी और गाड़ी की सारी मॉडिफिकेशन, आपको ये जो कॉस्टिंग मैंने इस पे स्पेंड की है जस्टिफाइड लगी या फिर नहीं लगी कमेंट करके जरूर बताना, इतने पैसे जो मैंने बचा लिए सही किया आपके हिसाब से या सही नहीं किया वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना, मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।